सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल MR Kids को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्रीरंगपुर नाम के एक गांव में तुकाराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे राजू के साथ रहता था। वो दिन भर मेहनत करके खेत में अनाज उगाता था। खेती से ही तुकाराम अपनी गृहस्थी चलाता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई तो तुकाराम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके पहले जब भी वो खेती में काम करता था तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। तुकाराम को लगा शायद पुरखों ने बहुत साल पहले सुरक्षित रखा हुआ खजाना अब उसे मिलने वाला है। तुकाराम ने तुरंत कुदाल चलाई। थोड़ी देर बाद एक डिबिया में तुकाराम को एक चश्मा मिला। वो चश्मा देख तुकाराम बहुत ही नाराज हुआ। उसकी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फेर चुका था। दुखी मन से तुकाराम ने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये क्या, इतनी देर मेहनत कर रहा हूँ और मिला क्या, तो बस एक चश्मा। ऐसा कह के तुकाराम वापस अपने काम में जुट गया। कुछ देर बाद तुकाराम का बेटा राजू दोपहर का खाने का डिब्बा लेकर खेत में पहुंचा। दोनों ने मिलके खाना खाया। राजू ने तुकाराम से कहा, पिताजी अब थोड़ी देर आप आराम कीजिए, मैं खेत की रखवाली करता हूँ। ठीक है लेकिन राजू अच्छे से ध्यान रखना खेत का, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी खेत में घुस सकते हैं। जी पिताजी आप आराम कीजिए, मैं ध्यान देकर खेत की रखवाली करता हूँ। तुकाराम निश्चिंत होकर एक पेड़ के नीचे आराम से लेट गया। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना एक बार यह चश्मा पहन के देखे। तुकाराम ने चश्मा पहना और राजू की तरफ देखा तो चमत्कार हुआ। उसने चश्मे से देखा कि दो भेड़िये राजू के सामने आए और राजू पर हमला कर रहे हैं। तुकाराम ने तुरंत ही चश्मा उतार दिया और घबरा के अपने आप से उसने कहा, अरे ये क्या देखा अभी मैंने। तुकाराम ने दोबारा चश्मा पहनकर राजू की तरफ देखा तो दूसरी बार भी वही दृश्य उसे दिखाई दिया। तुकाराम ने सोचा, अरे फिर से वही देखा मैंने, लगता है कि ये चश्मा ऐसा वैसा नहीं है, ये तो कोई जादुई चश्मा लगता है, इसी वजह से मुझे भविष्य में घटने वाली घटना दिखती है। तुकाराम तुरंत ही अपनी जगह से उठा और राजू को आवाज देकर कहा, राजू मेरा आराम हो चुका है, अब तुम घर जा सकते हो, अब खेत की रखवाली और बाकी सब काम मैं देखता हूँ, तुम जाओ। पिताजी मैं और काम कर सकता हूँ, आप आराम कीजिए। अरे बहुत हुआ आराम, तू चिंता मत कर, तुम कल खेत की रखवाली करना, अभी तुम घर जाओ। ठीक है पिताजी। अपने पिता की बात मानकर राजू घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही राजू गया उस जगह पर भेड़िये आए। पर तुकाराम ने उन्हें मार कर भगा दिया। अब तुकाराम समझ गया कि ये चश्मा सचमुच भविष्य दिखाता है। तुकाराम सोचने लगा कि अगर मैंने इस चश्मे का उपयोग करके गांव वालों का भविष्य देखा और उन्हें आने वाले संकट की सूचना दी तो गांव वालों का भला ही होगा और संकट आने से पहले ही टल जाएगा। घर लौटने के बाद तुकाराम ने चश्मा पहना तो उसने चश्मे से एक दृश्य देखा। तुकाराम की पत्नी लक्ष्मी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रोटी सेकते वक्त लक्ष्मी का हाथ जल जाता है। ये दृश्य देख तुकाराम ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, रुको लक्ष्मी, बची हुई रोटियां मैं सेकता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, रोज तो रोटियां मैं ही तो बनाती हूँ, तो आज क्या हो गया आपको, अचानक मेरी दया कैसे आई। लक्ष्मी के इस सवाल से तुकाराम को चश्मे की सारी सच्चाई लक्ष्मी को बतानी पड़ी और आगे तुकाराम ने जादुई चश्मे से
गांव वालों की मदद करने की कल्पना भी बताई। ये सब जानने के बाद लक्ष्मी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है, आप गांव वालों की जरूर मदद करना, इससे लोगों का भला होगा और हमें दुआएं भी मिलेंगी। दूसरे ही दिन से तुकाराम ने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। गांव वालों को भी जादुई चश्मे से सहायता होने लगी और संकट समय उन्हें पहले ही चेतावनी मिलने लगी। इस कारण गांव वाले बहुत खुश थे और उन्होंने तुकाराम की बहुत तारीफ की। ऐसे ही कई महीने बीते। एक दिन तुकाराम अनाज की बोरी गधे पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। चश्मा उसके पास ही था। तुकाराम ने ऐसे ही चश्मा लगाकर एक आदमी की तरफ देखा। उसे एक दृश्य नजर आया। वो आदमी एक सोने की मूर्ति कपड़े में बांध कर ले जा रहा था और थोड़ी ही देर में वो मूर्ति एक घर के आंगन में रख कर वो आदमी चला गया। ये दृश्य देखते ही तुकाराम ने सोचा कि रोज मैं इतनी मेहनत करके पैदल बाजार आता हूँ, अगर मैंने ये सोने की मूर्ति चुरा ली और बाजार में बेची तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं बैलगाड़ी खरीद पाऊंगा, जिससे मेरा बाजार आना जाना भी आसान होगा और मेरी परेशानी भी कम हो जाएगी। ऐसा मन ही मन सोचकर तुकाराम ने चश्मे से देखे हुए उस दृश्य के अनुसार आंगन से मूर्ति चुराई। बस तुकाराम वहां से भागने ही वाला था कि तभी पीछे से सैनिक पहुंचे और उन्होंने तुकाराम को पकड़ लिया। सैनिकों ने तुकाराम को गुस्से से पूछा, क्यों रे, ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? ये महाराज के दरबार में रखी हुई मूर्ति है, ये मूर्ति चुरा कर तुम भाग रहे थे क्या? अच्छा हुआ यही मिल गए, चलो अब तुम्हें महाराज के पास लेके जाता हूँ, चलो। तुकाराम ने सैनिकों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न मानी और तुकाराम को ही चोर समझकर राजा के सामने हाजिर कर दिया। सैनिकों का आरोप सुनकर राजा ने तुकाराम को पूछा, क्या तुम अपने बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहोगे? सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उस जादुई चश्मे के कारण हुआ और असली चोर तो बच निकला। जादुई चश्मा? कौन सा जादुई चश्मा? महाराज को जादुई चश्मे के बारे में पूरी घटनाएं तुकाराम बता देता है। ये सब समझकर राजा को तुकाराम के लालच और चोरी करने के इरादे से गुस्सा आता है। महाराज उसे सजा सुनाते हैं। चोरी करने के जुर्म में तुकाराम को 25 कोड़े लगवाए जाए और जिस कारण ये चोरी हुई और लालच तुकाराम के मन में उत्पन्न हुआ, उस जादुई चश्मे को तुरंत नष्ट किया जाए। राजा के निर्णय के अनुसार जादुई चश्मा सैनिकों ने तुरंत तोड़ दिया और तुकाराम को उसके जुर्म के लिए 25 कोड़े भी लगवाए गए। इस शिक्षा के बाद तुकाराम को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसके बाद संपूर्ण जीवन में तुकाराम ने मेहनत की रोटी कमाकर खाई। तात्पर्य, किसी भी चीज का लालच आदमी को हमेशा संकट में डालता है।